हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आगे हम अपने डिटरमिनेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, लास्ट जो हमारा वीडियो रहा उसमें हमने डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ नया और कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक देखने वाले हैं डिटरमिनेंट का, और जो है हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर, कि हम माइनर और कोफैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है माइनर और कोफैक्टर। वैसे बहुत इजी टॉपिक है, इतना कोई इसको नाम को देख के इतना डर मत जाना, बहुत इजी टॉपिक है। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। माइनर होता क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ AIJ, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है, ऑफ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग इट्स आई थ्रो एंड जेथ कॉलम इन विच एलिमेंट AIJ लाइज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय MIJ। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ दिया, इससे तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। एग्जांपल लेते हैं, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा, और वो लाइन में क्या लिखा हुआ है वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलो समझते हैं। इसके लिए हमने एक डिटरमिनेंट ड्रॉ किया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें कहा गया कि ये जो डिटरमिनेंट गिवन है इनमें सभी एलिमेंट्स के आपको माइनर फाइंड आउट करने। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपसे किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के भी वो आपसे माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करा सकता है। फिलहाल हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनर्स को। जैसे हमें कहा गया माइनर ऑफ A11, हम A11 का माइनर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M11 से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो M11 को आपको बहुत कुछ नहीं करना है, हमने एक्सपेंड करना सीख लिया ना, बस वही काम है। देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है उसके लाइन में आई थ्रो और जेथ कॉलम उसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। तो इसके लाइन में देखो वही एलिमेंट दोनों ये हैं और ये दोनों हैं, इनको रिमूव कर दो, जो बचा हुआ होगा उसका एक्सपेंड, उसका डिटरमिनेंट ही आपका माइनर होता है। तो ये बचे हुए एलिमेंट क्या है, A22, A32, A23, A33, बस इसको एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ गया माइनर। अब आप बोलेंगे ये तो हमने पढ़ लिया था, तो बस पढ़ लिया, वही चीजें हैं, कुछ न्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यही होता है इसमें। तो क्या बनेगा, A22 A33 माइनस A32 A23। जब क्वेश्चन होगा तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे आप पुट करोगे आपके पास इसका आंसर आ गया, तो ये आ जाएगा माइनर ऑफ A11। ऐसे कहा जाता है माइनर ऑफ A12। अगर हमें माइनर ऑफ A12 फाइंड आउट करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M12 से, तो भाई M12 पे आ गई, तो ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी हमारे पास। इसके लाइन में ये दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट है, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, A21 A31 A23 A33। चलो इसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, A21 A33 माइनस A31 A23। सिमिलरली हम M13 कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनर ऑफ 13th एलिमेंट, ठीक है। तो 13th एलिमेंट की लाइन में ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट है, हाइड करो, हटाओ इन्हें, बचे क्या हमारे पास, A21 A31 A22 A32। चलो इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी A21 A32 माइनस A31 A22। ये तो हमने फर्स्ट रो के माइनर फाइंड आउट किए, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के माइनर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो अगर मुझे M21 चाहिए होता तो M21 क्या होता हमारा, चलो ये लाइन और ये लाइन हाइड, बचेंगे ये चार एलिमेंट, तो A12 A32 A13 एंड A33 यही होंगे चार एलिमेंट। A21 की लाइन में देखो दोनों जो चार एलिमेंट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए, बचे हुए चार ये थे, इसे एक्सपेंड कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A12 A33 माइनस A32 A13। टच इट, ठीक है। ये हमने सबके क्या फाइंड आउट कर लिए, जो भी एलिमेंट्स हमने देखा उसके क्या फाइंड आउट कर लिए, माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। जब क्वेश्चंस होगा न्यूमेरिकली तो इनकी वैल्यूज होगी, और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका माइनर्स। अब कोफैक्टर क्या होता है, देखो माइनर और कोफैक्टर में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, कि मतलब कोफैक्टर अब वर्ड ऐसा आ गया, अरे सर अब कोई डिफिकल्ट वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। माइनर है वैसे ही कोफैक्टर है, कोई खास फर्क नहीं है। देखो बस फर्क कितना आता है, माइनर्स में हमने ध्यान है कोई साइन वाइन का ज्यादा नोटिस नहीं किया, कोई साइन वाइन के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम थ्री ऑर्डर थ्री की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे लिए कुछ साइन चलते हैं फिक्स, लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जिसको हम माइनस वन की पावर i+j के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करते थे, वही फॉर्मूला को बस आपको वही चीज को ध्यान रखना है। तो मतलब माइनर्स में आपके लिए साइन मैटर नहीं करेगा, कोफैक्टर में आपके साइन मैटर करेगा। यानी अगर हमको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे हमें कहा जाए, अब यही आ जाता हूं, देखो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर किसका कोफैक्टर? M11 का। देखो कोफैक्टर को हम C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी किसी बुक में कैपिटल F से भी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। चलो हम सी वर्ड यूज कर लेते हैं कोफैक्टर, तो सी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर मुझे C11 फाइंड आउट करना है तो C11 इज इक्वल टू होगा -1 की पावर i+j, और आपका जो भी माइनर आया था M11, तो -1 की पावर i+j अगर मैं करता हूं तो देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बनेगा। और M11 कितना था वो तो हमारे पास ये है ही, कितना आया था A22, A33 -A32, A23, तो यही आंसर हो गया। अब देखो इसके माइनर में और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, सेम ही आ रहा है, जो इसका कोफैक्टर था वही उसका आ गया। अगर हमें कहा जाए कोफैक्टर हम निकालते हैं किसका, M12 का, यानी हमें C12 कैलकुलेट करना है, तो -1 की पावर i+j, और यहां लिख देंगे हम M12, तो अब की बार i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो -1 की पावर 3 बनेगा, और -1 की पावर 3 इज -1, तो अब आपके पास यहां आगे आ जाएगा माइनस लग जाएगा आगे, और ये सॉल्यूशन तो M12 तो एज इट इज है ही, तो A21, A33 -A31, A23। तो इसमें फर्क क्या आया? इस बार माइनस का फर्क आया, यानी अगर 12th एलिमेंट का अगर फाइनल जो माइनर है उसकी वैल्यू अगर +5 आती है तो उसका कोफैक्टर -5 आएगा, अगर माइनर -5 आता है तो कोफैक्टर उसका +5 आएगा, यानी यहां पे माइनस का फर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं M13, यानी हम M13 माइनर का कोफैक्टर निकालना है हमें C13, 13th एलिमेंट का कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगेन वही फॉर्मूला -1 की पावर i+j और M13। अब इस बार देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो क्या बन जाएगा? -1 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इस बार आंसर अगेन पॉजिटिव आएगा हमारे पास। और वैल्यू क्या थी M13 की? A21, A32 -A31, A22, ठीक है। लास्ट बचता है हमारे पास M21, अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं तो C21 हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 21th एलिमेंट का कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C21 से। तो अब हमारा फॉर्मूला अगेन -1 की पावर i+j और M21। अब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो -1 की पावर अगेन 3 बनेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा -1 की पावर 3, तो माइनस में सॉल्यूशन आने वाला है। और M21 आपने पहले फाइंड आउट कर लिया था, तो A12, A33 -A32, A13। तो इस बार भी क्या फर्क आया माइनर और कोफैक्टर में 21 के एलिमेंट्स के, कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा था तो वो आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आएगा, जैसे मानो इसका सॉल्यूशन -5 आता है, तो अब की बार वहां +5 मिलेगा और यहां +5 मिलता है तो वहां -5 मिलेगा। तो आपने माइनर और कोफैक्टर में देखो कोई फर्क नहीं है ज्यादा, सिर्फ क्या है कुछ एलिमेंट्स में साइन को आपको नोटिस करना है, यानी सिंपल सा लॉजिक ध्यान रख लो आप, ज्यादा टिपिकल करना ही नहीं है। माइनर में साइन नोटिस नहीं करना है, साइन इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, लेकिन कोफैक्टर में हमें साइन भी ध्यान रखना है। अब इतना -1 की पावर i+j ऐसे करके करना चाहो तो कर सकते हो, स्टेप थोड़ा सा बढ़ता है, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमने सिंबल ऑलरेडी मेंशन कर लिया था क्या चलता है, +(-)-(-)-(-)+। अब क्या होगा जिन जिन एलिमेंट में प्लस लगा हुआ है तो वो तो जो वैल्यू माइनर की होगी उन एलिमेंट के वही वैल्यू उनके कोफैक्टर की होगी, मतलब जैसे 11th एलिमेंट में पॉजिटिव चलता है तो इसका आंसर जो भी आएगा वही इसका कोफैक्टर भी होगा, लेकिन 12th एलिमेंट में यह माइनस चलता है इसीलिए यहां जो आंसर आया होगा उसका अपोजिट साइन आपको कोफैक्टर में मिलने वाला है, अगर यहाँ +3 तो वहां -3, या -3 तो +3। तो जिन नेगेटिव वाले में उनमें बस देखो साइन, जैसे 12th एलिमेंट में माइनस आ गया आगे, 21 एलिमेंट में यहाँ माइनस आ गया, अगर ऐसे हमने 23 एलिमेंट कैलकुलेट किया होता तो उसमें भी आगे माइनस आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली साइन भी ध्यान रख सकते हैं, सिंपली एक्सपेंड कर दो, मतलब सिंपली आपको क्या करना है जिसका भी माइनर या कोफैक्टर फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट को पकड़ो, कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय तो कोई साइन का मतलब को साइन का ध्यान ही मत दो, और जैसे आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने लग जाओ तो आपको ये सिंबल ध्यान नहीं उस अकॉर्डिंग साइन लगा दो, जिसमें नेगेटिव चलता है उसके आगे माइनस लगा दो, जिसमें पॉजिटिव हो तो एज इट इज ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट, फिर इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।